हर हर महादेव। आज बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग गोपेश्वर महादेव के साक्षात यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और यहाँ के बारे में जो है कुछ जानकारी जानना चाहेंगे। महाराज हुआ था, बाबा के साथ में भूत प्रेत भी आए हैं। मंदिर से आगे एक गली है, इसका नाम है भूत गली। वहाँ पर भूत प्रेतों को छोड़ा है, जो गोपियाँ थीं डर जाएंगी। पार्वती जी के साथ गए हैं, पार्वती जी तो अंदर चली गई, बाबा को गोपियों ने रोक दिया। ललिता विशाखा सखियाँ थीं, गेट पर रोक दिया। बोले बाबा तुमको राज देखना तो गोपी बनना पड़ेगा। तो बोले हम तो भस्म लगाना जानते हैं, हम तो सोलह श्रृंगार नहीं जानते हैं। बोले जमुना मैया हैं, भगवान कृष्ण का राधा रानी का श्रृंगार करती हैं। तो जमुना मैया के पास गए हैं, जमुना मैया बड़ा खुश हुई, देवों के देव महादेव मेरे द्वारा है, जमुना मैया ने इनका सोलह श्रृंगार किया है। अब राज में गए हैं, जितना संगीत निकला है बाबा के डमरू से निकला है। आराध्य को देख के भगवान से ताल में ताल मिला रहे थे, पैर थिरक रहे थे उनके। और भोले भंडारी जो भूल गए कि हम लहंगा चुन्नी पहने हुए हैं, आराध्य नाच रहे थे, जो ताल में ताल मिलाई। भगवान कृष्ण बोले मुझसे मेरी ताल में ताल भगवान शिव के अलावा कोई नहीं मिला सकता। और सबके केस हैं, ये जटा वाली गोपी कौन आई है? ध्यान से देखा भगवान शिव आकर आप गोपियों को राधा रानी को छोड़ा है, आलिंगन किया है, आइए गोपीश्वरम स्वागतम। वहाँ से इनका नाम गोपेश्वर महादेव पड़ा। राधा रानी है, उनको बड़ा बुरा लगा गोपियों की मेन में, और नई गोपी आई मोटी सी सुंदर सी, इसको मेन बना दिया, आप हमसे प्रेम नहीं करते हो। जमुना पल्ली पार है मानसरोवर, वहाँ मान करके बैठ गई है। भगवान मनाने गए, मैं तो नटवर हूँ, वो तो नटराज है, नाचना सिखाया है उनने मुझे, तो मना के लाए हैं। तो राधा रानी आई हैं, बोले तुम वरदान मांगो, न काशी जाऊँ न कैलाश, नित्य लीला देखता रहूँ। राधा रानी बोली मैं अपनी तरफ से वरदान देती हूँ, जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा तब तक हमारा बांके बिहारी का और राज का दर्शन नहीं होगा। आपका शरीर कितनी चीज़ों से बना है? पांच चीज़ों से। बाबा का अभिषेक होता है पांच चीज़ों से। आप अभिषेक करके जाएंगे, एनर्जी लेके जाएंगे, बाबा का दर्शन होगा। ये 6,500 वर्ष प्राचीन है, भागवत में कथा आती है इनकी। ये प्रेम की वजह से पुरुष से स्त्री बन गए, ये प्रेम का संदेश दे रहे हैं सबको। यहाँ पर आकर आदमी प्रेम से इनकी पूजा करेगा तो उसकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है, ये यहाँ का वो है। तो आपने देखा कि यहाँ पर प्रेम वश हमारे महादेव गोपी बने हैं, पुरुष से गोपी बने, जो पुरुष से गोपी बने। राधा रानी ने गोपियों ने उंगलियों के निशान हैं, वो पूजा की है उनके उंगलियों के निशान है ये। और दूसरा यहाँ पर एक खजाना प्रसाद दिया जाता है, जैसे धन की वृद्धि, शरीर स्वस्थ रहे, उसके लिए खजाना प्रसाद दिया जाता है। एक सिक्का होता है, एक रुद्राक्ष होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव जी। राधे राधे, राधे राधे कहेंगे ना, बेकार जी। हर हर महादेव।